अच्छा दिखाने वाला नहीं है। माता पिता समझते हैं बहुत सारा पैसा खर्च करके हम बच्चे को बहुत अच्छी विद्या दे देंगे, किंतु क्या मिल रहा है, उनके हाथ में कुछ आ रहा है? इसलिए आप लोगों के अनुग्रह से, आप लोगों के सहयोग से संस्था चल रही है और हम चाहते हैं कि ये वाणी, ये कार्य जो हम लोग कर रहे हैं, ये विश्व में ना जाए किंतु पूरे छत्तीसगढ़ में ये जरूर व्यापक हो कि जहाँ हम बैठे हैं यहाँ दिया तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। ये सारे बच्चे बाहर से आते हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे क्यों नहीं आते? हमने राजकुमार से कहा कि अपना एक बच्चा हमें तुम दे दो, दो बच्चे हैं इनके, हमें एक बच्चा दे दो, एक एक बच्चे हमें चाहिए, क्योंकि हम किसको बनाएंगे, हमें बच्चे चाहिए, हमें आप 11 बच्चे दे दीजिए, 11 हम तैयार कर देंगे तो 11 से हजारों हो जाएंगे इसी प्रदेश के भीतर। किंतु माता पिता दक्षिण में करते हैं, लोग दक्षिण में लोगों को चिंतन है, परिवार से एक बच्चा देते हैं शास्त्र पढ़ने के लिए, ये हमारे यहाँ चिंतन नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी परंपरा की रक्षा करने के लिए, जो हमारी परंपरा नहीं है, जो विश्व परंपरा का मूल है, ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है और हमारे वेदों का जो दर्शन है विश्व का प्राचीनतम दर्शन है, पूरे विश्व को एकात्म भाव से देखने वाला दर्शन है, ऐसा दर्शन विश्व में कहीं भी नहीं है। क्योंकि अब तो दुनिया बहुत छोटी है भाई, बटन दबाओ सब कुछ दिखाई पड़ता है, पूरे विश्व में कहीं इतना बड़ा चिंतन नहीं हुआ है कि पूरे विश्व में एक ही परमात्मा का विलास है, एक ही आत्म तत्व पूरे विश्व में है और सब लोग विश्व में एक जैसे घोंसले के अंदर पक्षी रहते हैं, एक नींद में हम सब रहते हैं। तो इतने बड़े चिंतन को देने वाली हमारी संस्कृत भाषा, इसकी रक्षा हो, इसकी रक्षा से हमारे राष्ट्र की रक्षा हो और आप सबके सहयोग से हम ये काम करते रहें। जीवन हमारा भी सीमित है और हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही कि हम चाहते हैं कि हम शरीर छूटने के पहले कुछ बच्चे तैयार हैं। बस हमसे लोग पूछते हैं आपके बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं? हमने कहा नहीं, जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं उसे हमारे बच्चे। हम ये भाव से अगर करेंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे, हम कैसे काम कर पाएंगे? जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं उसे हमारे बच्चे हैं और उनको हम अपनी आत्मा के समान मानते हुए इनको हम पढ़ाते हैं और इनके लिए अपने जीवन हम लगाते हैं। ये बच्चे पढ़ के तैयार हो जाए, क्या जरूरी है हमारा ही नाती तैयार हो? ये बच्चे तैयार हो गए तो हमारा काम तो पूरा हो गया ना, ये बच्चे तैयार हो गए तो हम तो उतने ही भाव से जितने प्रेम से अपने गोद के बच्चे को लोग रखते हैं, उतने प्रेम से बच्चों को हम रखते हैं और ये हमारे अनुशासन में शास्त्र का अध्ययन करते हैं और जब इसको शास्त्र की पंक्तियां बोलते हैं तो हमारा हृदय प्रमुदित हो जाता है। ये सब आप लोगों का अनुग्रह है, इसलिए हम आपको 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 और मामा जी की पूर्णानंद शब्द नहीं कह सकते, हम आप सबको भूरी भूरी धन्यवाद देते हैं और भूरी भूरी प्रणाम करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि संस्था का विकास होता रहे और इस पूरे छत्तीसगढ़ की खाई करो जनता तक ये संस्कृत व्याप्त हो जाए। फिर भारत तो बहुत बड़ा है, हमारी शक्ति भी इतनी बड़ी नहीं है कि हम पूरी दुनिया में कर सकें।